हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अहमद खान लाइफस्टाइल। गाइस, आज की वीडियो है कि हम एक मूवी पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं, जैसे कि फोटोशॉप में करना है। सो गाइस, ये काफी अच्छा बनने वाला है, क्रिएटिव बनने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। जैसे हम चलते हैं फोटोशॉप में, एंड ये वो फोटो है जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, एंड ये लाइट है, एंड ये स्पार्क है, एंड ये जो बैकग्राउंड में जो यूज होने वाला है सो वो भी है PNG में, एंड ये हमारा बैकग्राउंड है। ओके, सो ये गाइस आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा, आप वन क्लिक पे डाउनलोड कर लेना। एंड तो हम चलते हैं। सो ये बैकग्राउंड है, बट मैंने इसको पहले से ही इसको कट कर लिया है। क्विक सिलेक्शन टूल से सिंपली आप कर सकते हो, अगर नहीं पता तो आप वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है कैसे रिमूव करते हैं बैकग्राउंड। सो गाइस, समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह से, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंड एंटर करते हैं, एंड उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है जो बैकग्राउंड में, सो बैकग्राउंड क्लिक करना है, एंड जो सिलेक्शन टूल है सिलेक्शन टूल, सो इतना एरिया मेरे को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मेरे को रिमूव करना है जो मॉडल है उसमें से। सो इतना पार्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल से। ओके, एंड इसको ओपन करके देख लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मॉडल वाली लेयर, एंड डिलीट कर देते हैं। सो सिंपली डिलीट हो चुका है यहाँ से, एंड ये वाला एरिया है सो इसको इरेजर टूल से यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंपली। ओके, एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, सो इस पर थोड़ा मेरे को जो मॉडल वाली लेयर है सो उस पर थोड़ी डार्कनेस करनी है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है सो उससे मैच करना चाहिए। सो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्राइटनेस, एंड इसकी थोड़ी ब्राइटनेस फिल कर देता हूँ लेयर में, एंड इसकी ब्राइटनेस कर देता हूँ -75, एंड कंट्रास्ट कर देता हूँ मैं 25। ओके, एंड इसके बाद मैं जाता हूँ एक्सपोजर में, एंड इसको भी कम करना है, पहले फिल कर देते हैं मॉडल वाली लेयर में, एंड इसको भी मैं कम कर देता हूँ -125, एंड इसको नहीं छेड़ना, जीरो कर देते हैं। एंड जो थर्ड वाला है करेक्शन वाला, सो उसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं कुछ 0.75। ओके, एंड ये देख सकते हैं आप, ये डल हो चुकी है, सो डार्कनेस इसमें आ चुकी है। बट इसमें मेरे को क्या करना है, सो जो ऊपर जो टॉप पर है जो फेस है जहाँ पे, एंड जो VR का जो प्रोडक्ट जो है सो उसको हमें हाईलाइट करना है। सो उसके लिए मैं ग्रेडिएंट यूज कर लेता हूँ, एंड मास्क सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे ब्लैक कलर, एंड ऊपर से टॉप से थोड़ा सा नीचे, एंड पहले इसकी ऑपेसिटी कर देते हैं हम 25, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लाइट करना है इस तरह से। ओके, एंड ब्राइटनेस वाले पे भी ऐसी करना है। ओके, सो ये हो चुका है जैसे कि मेरे को चाहिए था, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना है। सो कलर बैलेंस यूज करना है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है सो वो रेड थोड़ा रेड टाइप का है, सो उसके लिए हमें रेड करना पड़ेगा जो लेयर है हमारी कुछ इस तरह से, एंड रेड वाले को भी थोड़ा सा टैन कर देते हैं, एंड ब्लू को भी टैन कर देते हैं, एंड उसके बाद हम हाईलाइट में चले जाते हैं, सो उसको भी हमें रेड वाले को टैन कर देता हूँ मैं, एंड उसके बाद हम शेडो में जाते हैं, सो इसको हमें रेड पे ही ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड जो है बिल्कुल मैच करना है कुछ इस तरह से। देख सकते हैं मैंने रेडनेस इसमें थोड़ी कलर बैलेंस से यूज करके कर दी है इसमें रेडनेस। ओके, सो हमने ये कर लिया है, सो इसकी ऑपेसिटी में कर देता हूँ 15, देख सकते हैं सो ठीक लग रहा है ये। एंड अब हम चलते हैं अपने जो सेकंड बैकग्राउंड था जो कि मैंने बताया था ये, सो इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में मॉडल वाली लेयर के पीछे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ इस तरह से, एंड इसको बैक में कर देते हैं मॉडल की लेयर के यहाँ पे ऐसे। ओके, सो ये ठीक लग रहा है यहाँ पे, एंड इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है सो इसको ये बैक में चला जाएगा, क्योंकि ये जो
रॉक है, सो इसके बैक में हमें शो करना है। सो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वही पहले बैकग्राउंड पर हमें क्लिक करना है एंड सिलेक्ट करना वही पार्ट जो यहाँ पे बैकग्राउंड पे है। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से सिंपली इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंड अब ओपन कर लेते हैं लेयर को, डिलीट कर देते हैं इस पर, एंड यहाँ से फिर इरेजर टूल लेना है एंड यहाँ से इस पार्ट को भी रिमूव कर देना है। ओके, सो ये बैक में चला गया। एंड इसके बाद क्या करना है, ये वाला देख सकते हैं जो हैंड के पास है, सो इसको मेरे को फ्रंट पे लाना है। सो इसके लिए मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, एंड इस वाली लेयर को जो डुप्लीकेट लेयर है सो इसको टॉप पे ले चलते हैं यहाँ पे। एंड अब हमें क्या करना है, जो क्योंकि हमें सिर्फ ये वाली जो ये वाला पार्ट है सो यही चाहिए एंड बाकी का नहीं चाहिए, सो इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से। ओके, एंड ये वाले को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अब हमारे पास सिर्फ यही पार्ट है जो हमें चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा जो लाइट वाला था जैसे कि मैंने दिखाया था ये वाला, सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ मैं, एंड इसको यहाँ पे सेट करना है इस तरह से। तो पहले इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर लेते हैं ऐसे, एंड इसको यहाँ पे हमें सेट करना है इसके अंदर जो रेड वाला सर्कल है सो उसके अंदर करना है इसको सेट यहाँ पे। ओके, एंड कंट्रोल जे कर लेता हूँ एंड इसका एक यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सो ये वाला पार्ट जो है जो हमने यहाँ पे अलग से बनाया था सो उसके हमें शेडो क्रिएट करनी है। सो उसके लिए मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ एंड ये वाली जो लेयर आई है जो डुप्लीकेट लेयर सो इसको फिल करना है हमें मॉडल वाली लेयर में, ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड फिल कर देना है इसके अंदर जो मॉडल वाली लेयर है। एंड इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर ऐसे यहाँ से ऑल्ट ब्लैक स्पेस करके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये फिल हो चुकी है इसमें। एंड मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, शेडो क्रिएट करना है सो इस तरह से एरो कीज से, सो मैं इसको शेडो बना देता हूँ। एंड यहाँ पे फिल्टर में जाना है, ब्लर गॉशियन ब्लर, सो कुछ शेडो टाइप मैं कर देता हूँ 150, सो ये ठीक लग रहा है एंड ओके करते हैं। एंड इसकी ऑपेसिटी कर देता हूँ मैं 25 या 15 ज़्यादा हो रहा है सो 25 करते हैं। एंड शेडो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करना है, जो मॉडल वाली लेयर है सो उसमें थोड़ी मेरे को ब्लैकनेस करनी है एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बॉटम पे, सो यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस करनी है। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारी लेयर है सबसे ऊपर जाना है हमें, एंड ये देख सकते हैं जो मॉडल पे जो हमने फिल करी थी शेडो सो उसके ऊपर एक लेयर लेनी है, एक न्यू लेयर। एंड ग्रेडियंट यूज़ करने वाला हूँ, पहले इसकी ऑपेसिटी फुल कर लेते हैं। एंड ब्लैक कलर यूज़ करना है, सो शिफ्ट प्रेस करके रखना है एंड यहाँ तक मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्रेडियंट ऐसे, एंड इसकी ऑपेसिटी कर देता हूँ मैं 15। एंड ऐसे ही मैं एक और लेयर ले लेता हूँ एंड ऊपर से भी मैं थोड़ा सा यहाँ तक कर देता हूँ एंड इसकी ऑपेसिटी कर देते हैं 75 या 15 कर देते हैं, ये ठीक है। ओके, 15। ओके, तो ये हमारा थोड़ा ब्लैकनेस जो है डार्कनेस तो वो अब आ चुकी है इसके अंदर। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने जो ये बैकग्राउंड यूज़ किया था ये वाला सो इसके इस पर भी हमें थोड़ा कलर बैलेंस करना है क्योंकि ये रेडनेस नहीं दिख रहा है, सो इसको भी थोड़ा रेड कर देते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने मॉडल वाली लेयर पर कलर बैलेंस यूज़ किया था सो इसी को मैं कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ एंड इसकी डुप्लीकेट कॉपी नीचे आ जाएगी देख सकते हैं, एंड इसको फिल कर देता हूँ इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ी रेडनेस आ चुकी है ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें यहाँ पे रेडनेस आ चुकी है। एंड ये वाली लेयर जो है, जो ये वाली हमने अलग से क्रिएट की थी जो हैंड के पास है, एंड इसके लिए भी हम ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं एंड ऊपर ले चलते हैं इसको भी, एंड यहाँ पे इसको मैं फिल कर देता हूँ उसके अंदर। सो इस पर भी देख लेते हैं, सो इस पर भी आ चुकी है रेडनेस थोड़ी। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा जो बैकग्राउंड है सो उस पर हमें जाना है बैकग्राउंड पे, एंड वहाँ पे क्लिक करना है हमें न्यू लेयर लेनी है, एंड यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं कलर जो कि रेड रहेगा, थोड़ा सा रेड ज़्यादा नहीं कुछ इस टाइप,
एंड यहाँ पे हमें यहाँ जो जो मॉडल है सो उसके बिल्कुल सेंटर में बैक में रहेगा वो कलर, सो इस टाइप। एंड इसको मैं कर देता हूँ लाइटर कलर, ओके। एंड इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ मैं 15, डन। देख सकते हैं पीछे से ऐसे लाइटिंग सी थोड़ी शो कर रही है, ओके। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमने कर लिया है। सो अब हम चलते हैं मॉडल वाली लेयर पे, जो कि यहाँ पर है ये। एंड यहाँ पे एक मैं लेयर ले लेता हूँ, ओके। लेयर ले ली मैंने न्यू लेयर। एंड यहाँ पे मैं यही कलर यूज करने वाला हूँ जो हमने बैकग्राउंड में यूज किया है। सो मैं थोड़ी सी लाइटिंग करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से। एंड यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी रेडनेस करनी है, मतलब जैसे कि आप जहाँ पे इसमें होनी चाहिए ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे भी दे देते हैं ऐसे। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट है, ओके। यहाँ पे ऐसे, सो ये हमारी लाइटिंग भी क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन। एंड इसकी ओपेसिटी कर देते हैं हम 75 करते हैं, थोड़ी सी दिखनी चाहिए। तो ये ठीक लग रहा है 75। एंड इसको ओके करते हैं। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है सबसे ऊपर। एंड यहाँ पे एक न्यू लेयर लेनी है इस तरह से कुछ। एंड इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके। एंड अब हम यूज़ करने वाले हैं कैमरा रॉ फिल्टर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे ही हमारा जो ये क्रिएटिविटी है सो उससे प्रॉपरली पोस्टर जो है वो लगेगा। सो हम फिल्टर में जाते हैं, कैमरा रॉ फिल्टर यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो टेम्परेचर है सो उसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ -5। एंड टिंट जो है सो उसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10, ओके। एंड यहाँ पे कंट्रास्ट मैं लेने वाला हूँ 20। एंड हाईलाइट थोड़ा सा कर देते हैं मेरे अकॉर्डिंग 20 ठीक रहेगा। एंड शेडो यहाँ पे माइनस में करनी है -20। एंड वाइटनेस बिल्कुल मैं कम कर देता हूँ। एंड ब्लैकनेस थोड़ी सी कम -10 या 15 कर देते हैं, ओके। एंड इसके बाद मैं क्लियरिटी यूज करता हूँ। क्लियरिटी में मैं करता हूँ 50, ओके। एंड यहाँ पे विब्रेंस है तो इसको हमें करना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25। एंड हिट प्रेस करते हैं, ओके। एंड ओके, सो ये देख सकते हैं ये फाइनली फोटो में कलर जो थे सो ये आपके प्रॉपरली लग रहे हैं। सो गाइस, ये हमने फोटो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर आप कुछ भी जैसे नाम देना चाहते हो सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूज कर लेते हैं हम नाम भी। जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे वाइट कलर यूज कर लेता हूँ। एंड इसका फॉन्ट कर देता हूँ 20, ओके। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्चुअल रियलिटी, ओके। एंड यहाँ पे फॉन्ट यूज कर लेता हूँ मैं गेम ये वाला। एंड इसकी ऑफिस थोड़ा कम कर देते हैं 10, यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर देता हूँ मैं। एंड इसको सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, ओके। और ओके, सो ये फाइनली हमारी फोटो कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस, यही था आज की जो वीडियो थी, सो मूवी पोस्टर कैसे डिजाइन करते हैं। सो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो आप कमेंट में जरूर बताओ। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, सो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर भी आपको शो कर देगा। एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।